वियाग्रा, जिसे आम भाषा में हम लोग पावर की गोली या फिर मर्दाना शक्ति बढ़ाने वाली गोली के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये गोली लिंग की नसों में आई कमजोरी, लिंग का ढीलापन, लिंग के तनाव में कमी और बढ़ती उम्र के साथ साथ आई लिंग की कमजोरी को दूर करती है। वियाग्रा को आजकल छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के अक्सर लोग खाते हैं ताकि उनके लिंग में तनाव आ सके और वो पूरी तरह से संभोग का मजा ले सके। सो गाइस, मैं हूँ ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वियाग्रा कैसे काम करती है और वियाग्रा के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उन साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वियाग्रा काम कैसे करती है। वियाग्रा को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में तनाव की कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वियाग्रा टैबलेट खाने से आपके लिंग में खून का दौरा बेहतर बनता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा तनाव मिलता है। अगर आपको अच्छा ठहराव चाहिए, अच्छा तनाव चाहिए, तो आपके लिंग को सही तरह से खून मिलना चाहिए। वियाग्रा में सिल्डेनाफिल नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि लिंग में खून की नसों को रिलैक्स करता है, जिससे लिंग में खून आसानी से भर जाता है और तनाव की कमी दूर हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वियाग्रा खाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट ये है कि जब पुरुष इस गोली का इस्तेमाल करता है तो इसका लिंग काफी समय तक तनाव में रहता है, लेकिन कुछ लोगों में ये तनाव 4 घंटे से भी ज्यादा हो सकता है और अगर इसका जल्दी इलाज न करवाया जाए तो लिंग को काफी नुकसान पहुंच सकता है। वियाग्रा खाने का दूसरा नुकसान ये है कि वियाग्रा खाने के बाद सर दर्द होता है और ये दर्द अपने आप नींद के बाद सही हो जाता है। अगर नींद में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन की गोली वगैरह। वियाग्रा खाने का तीसरा नुकसान ये है कि इसके बाद जी मचलाता है, चेहरा लाल हो जाता है, पेट में बदहजमी होती है, नाक बंद हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं। तो ये वियाग्रा खाने के कुछ नुकसान होते हैं। इसको खाने के बाद चक्कर आने की वजह से इसको खाकर आपको ड्राइव नहीं करनी चाहिए। वियाग्रा खाने का चौथा नुकसान ये है कि वियाग्रा खाने के बाद आंखों का धुंधलापन, देखने में परेशानी वगैरह होने लगती है। हो सकता है कि ये कुछ मिनट्स के लिए हो, लेकिन अगर आपकी ये परेशानी दूर नहीं हो रही है तो आपको आंखों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा वियाग्रा खाने के और भी काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्किन का लाल होना या चकते पड़ जाना, शरीर में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर में बदलाव आ जाना, पेट में गड़बड़ी होना, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होना, नाक बहना या फिर नाक का बंद हो जाना, कान में घंटी की आवाज सुनाई देना, सर चकराना, आंख की परेशानियां जैसे कि दोहरा दिखना, आंख में खून जमना और आंखों में सूजन आना, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट आ जाना जिसकी वजह से बेहोशी हो जाना, दौरा पड़ना या फिर हार्ट अटैक हो जाना, दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाना, गले नाक या मुंह में सूजन आ जाना, लिंग से खून आना, सुनाई देने में परेशानी होना, बेचैनी होना, ये वियाग्रा खाने के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत कम लोगों में होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वियाग्रा खाने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। वियाग्रा खाने के बाद अगर आपको इनमें से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आपको जल्दी ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो साइड इफेक्ट्स ये हैं: छाती में दर्द होना, लिंग खड़े होने के बाद दर्द होना, अगर आपका लिंग 4 घंटों से ज्यादा तनाव में रहता है तब भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, देखने में परेशानी होना या बिल्कुल दिखना बंद हो जाना, स्किन पर एलर्जी होना, दौरा पड़ना, छींके आना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले या फेस में सूजन आना, बहुत ज्यादा चक्कर आना। अगर आपको इनमें से कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आपको जल्दी ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि वियाग्रा के नुकसान से साइड इफेक्ट से बचने के तरीके क्या है। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको इस टैबलेट को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे डॉक्टर आपका चेकअप करके ये कंफर्म करेगा कि आप ये टैबलेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जिस दिन आपको वियाग्रा टैबलेट लेनी हो उस दिन आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब पीने के बाद इस टैबलेट को लेने से कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और लिंग के तनाव में कमी होना वगैरह। जितनी डोज आपको डॉक्टर ने बताई है उससे ज्यादा डोज के इस्तेमाल से आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप ड्रग्स वगैरह का नशा करते हैं तो आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये टैबलेट आपको सूट कर रही है लेकिन हल्के हल्के साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं तो आपको डोज कम कर देनी चाहिए। आप ये बात याद रखिए कि अगर आपको वियाग्रा खाने के बाद नुकसान से बचना है तो डॉक्टर की सलाह और सही डोज खाकर आप ऐसा कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि वियाग्रा कैसे काम करती है, वियाग्रा के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और साइड इफेक्ट से बचने का तरीका क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।